हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू कास्तूर और कास्तूर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटका कुल्फी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और घर में अवेलेबल सामग्री से हम इसे तैयार करेंगे। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलना कम ही पसंद करते हैं, घर में रह कर ही वो सेफ रहना चाहते हैं। तो घर के मटेरियल से ही हम इसे बनाएंगे और हम इसमें गैस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही कस्टर्ड पाउडर का, ना ही मिल्क पाउडर का। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्रेड ले ली है 4 और इसमें साइड वाला हम इसकी जो लेयर है वो निकाल देंगे। और इसको भी हम और छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। कटर लिया है मैंने, इसे मैं कट कर दूंगी अच्छी तरह से और छोटे छोटे लेयर्स में कट कर देंगे पीसेस में। देखिए इस तरह से। ब्रेड तो घर में आसानी से मिल जाती है दोस्तों। ये मेरे पास बची हुई 4 ब्रेड थी जिनका मैंने इसमें प्रयोग किया है। इससे कुल्फी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कुल्फी एकदम मलाईदार बनती है। ये मैंने ट्रांसफर कर लिया इसमें जार में से ग्राइंड करने के लिए। अब मैं इसमें 2 कप दूध का प्रयोग करूंगी। ये मैंने शुगर डाली है इसमें 1/2 कटोरी शुगर, छोटी कटोरी, और इसे फिर से ग्राइंड करूंगी। देखिए हमारी जो ब्रेड है वो फिर से ग्राइंड कर ली है, एकदम मलाईदार हो चुकी है दोस्तों, अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। यहाँ पर मैंने चावल के आटे का प्रयोग किया है 2 टेबल स्पून, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह से। ये कुल्फी को गाढ़ा करने का काम करता है और कुल्फी एकदम गाढ़ी बनती है। 1/2 कटोरी मैंने शुगर और डाला है क्योंकि कुल्फी थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। ज़्यादा चीनी का प्रयोग ना करें दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा मीठा होने से कुल्फी जमने में दिक्कत आती है। अब ये मैंने इसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आप घर में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये केसर के धागे हैं, मैंने इसे थोड़े से दूध में भिगोकर रख दिया था, 10 से 12 केसर के धागे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, केसर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसे फिर से ग्राइंड कर लिया है मैंने दोस्तों। एक बार फिर से मैंने इसे और ग्राइंड किया है। देखिए और भी ये मलाईदार हो गई है और एकदम बढ़िया लग रही है। एक बार फिर से इसे चलाएंगे और इसे फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देंगे। और उसके बाद मैंने इसे निकाला है। देखिए अब फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए एकदम हमारा बैटर परफेक्ट जमने के लिए तैयार हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी कुल्फी के बैटर की। अब ये मैंने मोल्ड ले लिए हैं जो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। मेरे पास ये पहले से ही थे घर में, ये कुल्हड़ मिट्टी का, और ये ले ली है एक गिलासी छोटी सी। इस तरह की गिलासी में भी आप कुल्फी जमा सकते हैं। तो मैं इसे बैटर को इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। अब दोस्तों आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है और घर में बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है।
देखिए अब ये मैंने सारी इसमें ट्रांसफर कर दी है। ऊपर से मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, काजू, बादाम, बारीक बारीक डाल दिए हैं और किशमिश। अब मैं इसे फॉइल पेपर से सिक्योर कर दूंगी ताकि फ्रीजर में रखने के बाद इसमें आइस की लेयर ना चढ़े, और आप चाहें तो इसे रबर बैंड से भी चारों तरफ से अच्छी तरह सिक्योर कर सकते हैं। मैंने इसे वहीं की वहीं सेट कर दिया है इस तरह से। अब नाइफ की मदद से मैं इसमें हल्का सा कट लगाऊंगी और स्टिक लगा दूंगी इसमें, आइस स्टिक। इसी तरह से दूसरे में भी करके दिखाऊंगी। दोस्तों देखिए इस तरह से दूसरे की हमने सेट कर दी है स्टिक। देखिए ये एकदम रेडी है फ्रीजर में सेट होने के लिए, और इसे मैंने ओवरनाइट फ्रीजर में रख दिया था और ये पूरी सेट हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल कर दिखाऊंगी। देखिए हाथों की सहायता से हल्का सा इसे रब करेंगे, और ये गिलासी में मैंने पानी ले लिया है, इसमें डिप करेंगे दो तीन बार। और ये बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आ जाती है। देखिए एकदम बढ़िया बनी है, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। इसी तरह से मैं दूसरी भी दिखाऊंगी करकर। और बच्चों को ही नहीं बड़ों और बूढ़ों को भी ये बहुत भाती है। देखिए अब मैंने इसे इसके ऊपर डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। देखिए दोस्तों हमारी मटका कुल्फी बनकर तैयार है बहुत कम समय में, और एकदम मज़ेदार बनी है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, सबका मन बहलाएं और खुद भी खाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।